मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दुष्चातर अपराधी भूरा और रिजवान अपने साथी के साथ बाइक से गांव सिरसखेड़ा से गुजरने वाले हैं। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि पुलिस चेकिंग चल ही रही थी कि तभी बाइक पर तीन लोग आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी बाइक खेत में गिर गई। पुलिस जैसे ही इनकी ओर बढ़ी, इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में भी गोली चलाई गई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनके द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि पकड़े गए बदमाश रिजवान और भूरा हैं। ये दोनों ही जिला अमरोहा के निवासी बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मौके से फरार हुए इनके तीसरे साथी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि पकड़ा गया रिजवान अब तक कई संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई बार जेल भी जा चुका है। उन्होंने दूसरे बदमाश भूरा की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों थाना पाकबड़ा के इलाके में हुई बाइक लूट के मामले में भी भूरा वांछित चल रहा था। सुबह थाना मुंडापांडे के पुलिस द्वारा की गई इस मुठभेड़ की कार्यवाही के बाद दो बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर डिपार्टमेंट में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी है। जिला अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये थाना मुंडापांडे क्षेत्र में ये सिरसखेड़ा गांव पड़ता है, उसके पास आउटर में आज सुबह हमारी जो पुलिस पार्टी वहाँ से जा रही थी, कहीं चेकिंग हो रही थी चौराहे पर, तो सामने से आते हुए दो बदमाश पुलिस को देखे भागे। पुलिस ने उनको रोका, उनको पीछा किया तो आगे खेत की तरफ जाके मुड़ गए। जब वो पुलिस उनके पीछे गई तो मोटरसाइकिल उनकी गिर गई वहाँ पर। उसी वक्त उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर से पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई है, जिसमें ये तीन बदमाश थे, उसमें से दो बदमाश इंजर्ड हुए, एक मौके से फरार हो गया। सर क्या क्या नाम है इनके? ये अभी इन्होंने पूछताछ में बताया है, एक रिजवान है और एक भूरा है, ये अमरोहा के रहने वाले हैं। सर इनके आपराधिक इतिहास भी है पहले? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें जो रिजवान है वो वापसी में पहले जेल जा चुका है, उसके और भी मुकदमे इसके अलावा हैं, और भूरा भी दिल्ली से कुछ मुकदमों में जेल गया है। अभी हम लोग और इसकी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही अभी इन्होंने पूछताछ में ये भी एडमिट किया है कि जो मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग जा रहे थे, जो मौके पर मिली है, वो एक संबल एचोड़ा क्षेत्र में इन्होंने कोई लूट की थी, जो HF City डीलक्स गाड़ी है वो लूटी वहाँ से इन्होंने। इसके अलावा मैनाट हिल क्षेत्र से एक और गाड़ी है जो इन्होंने वहाँ से चोरी की है। सर मुठभेड़ में कोई सिपाही भी घायल हुआ है? सिपाही हमारा गिरने से थोड़ा इंजर्ड हुआ है। सर कोई इनाम वगैरह था इन पर? नहीं, इन पर इनाम नहीं था, क्योंकि पहले से इनके बारे में जानकारी नहीं थी। घटनाएँ इन्होंने की थी, हमारे पाकबड़ा क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी, उसमें भी इनका हाथ। इनके कुछ साथी फरार है क्या? एक साथी, इसका भी इन्होंने नाम बताया है, वो फरार है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल हैं, दो तमंचे जो मौके से बरामद हुए, जिससे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया था, और कुछ अन्य सामान। कहाँ के निवासी हैं दोनों? जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये संबल क्षेत्र में इनका गाँव पड़ता है।